हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू बीजे एजुकेशन. टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट फर्दर कॉन्सेप्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इंट्रोडक्शन टू चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मैटर. आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में. जनरली आपका 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. उसके बाद आपका 2 अनदर स्टेट ऑफ मैटर होता है, प्लाज्मा एंड बीईसी. उसके बाद 3 जो आपका इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर था, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसका आप लोग प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक देखे थे 1 by 1. आज हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर का. टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है, कॉमन यूनिट और ऐसा यूनिट जो भी है, और उसका कन्वर्जन कैसे होता है, इसके बारे में. तो जैसा कि लिखा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से अगर देखोगे क्या लिखा हुआ है, इन आवर डेली लाइफ में आपके पास भी आप यूज करते हो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप सेल्सियस स्केल का यूज करते हो या नहीं करते हो. जैसे आपको अगर मान लिया जाए कि फीवर, मान लिया जाए क्या करना है, जो आपका फीवर मापना है तो फारेनहाइट का यूज करते हैं नहीं करते हैं, तो सेल्सियस यूज करते हैं, फारेनहाइट यूज करते हैं, बहुत सारा. वही चीज़ बोला जा रहा है, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस विच इज़ यूज टू मेजर मेल्टिंग पॉइंट. किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट मापना है ना, बॉइलिंग पॉइंट मापना है लिक्विड का, है ना, ETC. तो डिग्री सेल्सियस इज राइट एज डिग्री सी इन शॉर्ट. डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे शॉर्ट में. तो आप जानते भी हो कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 degrees Celsius होता है, समझ रहे हो. वाइल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे कितना होता है, 100 degrees Celsius. आगे कहा जा रहा है, इन स्टेड ऑफ सेल्सियस स्केल फॉर टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल के बदले में अब टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए 2 अनदर यूनिट भी आजकल यूज किए जा रहे हैं. जैसे एक है आपके पास केल्विन स्केल और दूसरा है आपके पास फारेनहाइट स्केल. एक क्या है, केल्विन स्केल और दूसरा क्या है, फारेनहाइट स्केल. एक है आपका केल्विन स्केल और दूसरा है फारेनहाइट स्केल, क्लियर है. आगे आपको ये भी बताया गया है, केल्विन स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये ऐसे टेम्परेचर को नोन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीधा आप सॉल्यूट स्केल, दैट मीन्स 0 degree के, क्लियर है. यूज बाय द साइंटिस्ट फॉर द रिसर्चिंग वर्क, 0 degree Celsius. केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से राइट डाउन करो कि जो आपका केल्विन है वो क्या है, टेम्परेचर का एक एसआई यूनिट. केल्विन इज द व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. केल्विन इज द व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का अगर यूनिट की बात कहेगा तो सेल्सियस भी होगा, फारेनहाइट भी होगा, केल्विन भी होगा, रोमर भी होगा, बहुत सारा. लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए तो केल्विन ही होता है. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल के, जिसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, के सिंबल से, क्लियर है. कहा जा रहा है आगे, द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल इज एज फॉलोज. तो आपके पास एक फार्मूला होता है, के इक्वल्स टू डिग्री सी प्लस 273. मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है और केल्विन का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो 273 उसमें ऐड कर दीजिए, है ना. लेकिन अगर आपके केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है और डिग्री सी का वैल्यू मांग रहा है तो 273 माइनस कर दीजिए, क्लियर है. अब कहा जा रहा है कि जो आपके पास ये क्या रहा, दैट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273. कहा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अबव गिवन रिलेशन सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्टेड इन टू केल्विन. ये रिलेशन जो दिया है इससे आप सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो और केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हो. एक और आपके पास स्केल आता है जिसका नाम है फारेनहाइट स्केल. ये एक टेम्परेचर का अनदर स्केल है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री एफ से. तो आप जान रहे हो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो फारेनहाइट स्केल पे कितना होता है, 32 degree Fahrenheit, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 212 degree Fahrenheit, क्लियर है. तो ये रहा फारेनहाइट के बारे में. अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आपके पास जो भी है कॉमन उसके बारे में चर्च किया गया. देख सकते हो अगर फारेनहाइट की बात किया जाए तो उसका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 212 है, जबकि फ्रीजिंग कितना है, 32 degree Fahrenheit. अगर वही चीज़ सेल्सियस
स्केल पे बात किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे केल्विन में बात किया जाए तो वाटर आपका बॉयल्स करता है 373 केल्विन पे, जबकि वाटर फ्रीज करता है 273 केल्विन पे। क्लियर है? और अब सॉल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात किया जाए तो जीरो केल्विन को क्या बोला जाता है? अब सॉल्यूट जीरो टेम्परेचर या -273 डिग्री सेल्सियस या -459 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे ये रिलेशन है जो आपको कन्वर्जन करने में काम देगा। के -273 / 100 इक्वल्स टू एफ -32 / 180 इक्वल्स टू सी -0/100। तो यहाँ से आप अगर 20 से सबको कट करते हो तो आ जाएगा के -273 / 5 इक्वल्स टू एफ -32 / 9 इक्वल्स टू सी -0, दैट मीन्स C/5। क्लियर है? आगे आप देख सकते हो फर्दर, यही चीज़ आपको रिलेशन में दे। एक रोमर है R/4, इसका जीरो होता है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 80 होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है वैल्यू और इसको सेल्सियस में चेंज करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में चेंज करना है। रिलेशन आपको ज्ञात है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? आगे अगर बात किया जाए तो एक और आपके पास कॉन्सेप्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर, जनरली आपका सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है उसमें कैसे चेंजिंग हो सकता है, तो वही चीज लिखा गया है। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे आप देखते हो जो आपके पास वाटर एक ऐसा एकमात्र सब्सटेंस है जो ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर में वो क्या करता है, दैट मीन्स अवेलेबल है। आइस की अगर बात किया जाए सॉलिड के फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर गैस के फॉर्म में। ठीक है, कहता है दिस 3 गैसेज ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेंड ईजिली इन आवर डेली लाइफ। जैसे आइस आपके पास है सॉलिड फेज में, इसको आप ऑब्टेंड कर सकते हो रेफ्रिजरेटर से। लिक्विड वाटर को फिर से वो क्या करो, फ्रॉम टैप बाइल स्टीम, अगर उसको आप दैट मीन्स हीट दोगे फिर गैसियस फेजेस में आ जाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स बॉइलिंग करोगे वाटर को, तो इस दैट मीन्स इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज आ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके पास यही चीज़ लिखा हुआ है, एट लोअर टेम्परेचर वाटर एग्जिट्स इन सॉलिड स्टेट। अगर वाटर को लो टेम्परेचर पर रखोगे तो वो कैसा फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में, इन आइस फ्रॉम एट 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो। वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे बिलो टेम्परेचर पे है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इट बॉइल एट अ रूम टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये कैसा स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट, दैट मीन्स वेपर फॉर्म में। क्लियर है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको मैटर को इंटर कन्वर्जन करना है तो आपके पास 2 वेज है। पहला है वाई चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में आप चेंजिंग ला के क्या कर सकते हो, उसको आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, या तो चेंजिंग प्रेशर। तो नंबर फर्स्ट आप देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो द ऑर्डर ऑफ अदर पार्ट इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, या उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, इंटर मोलिकुलर फोर्स इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर इज एज फॉलोज। आप पढ़े भी थे कि सबसे ज़्यादा IMF सॉलिड का होता है, उससे कम लिक्विड का और सबसे कम गैस का। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर जब बढ़ाया गया तो होता क्या है कि जो IMF है, चूँकि कोलिजन होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो IMF क्या होगा, ब्रेक होगा, वो टूटेगा। इस वजह से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो मूव करने लगेगा, इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसे डिक्रीज करने की वजह से होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर और भी इंक्रीज कर रहे हो तो सॉलिड स्टेट आपका लिक्विड में या फिर लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किए तो गैस बन गया। ऐसे ही आप रिवर्स भी कर सकते हो, अगर टेम्परेचर को आप क्या करो, डिक्रीज करो, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, जो मोशन है पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से होगा क्या कि जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा,
और लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज़ लिखा भी गया, गैस है कूल कर दो लिक्विड, उसको कूल कर दो सॉलिड। वही चीज़ आगे आपके पास लिखा गया चेंज ऑफ स्टेट, तो जब सॉलिड को हीट कर रहे हैं लिक्विड में और लिक्विड फिर चेंज हो रहा है गैस में, फिर हीट करोगे तब, जबकि गैस को अगर कूल्ड करोगे तो लिक्विड में, फिर लिक्विड को फर्दर कूल्ड करोगे तो सॉलिड में। सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस आपका क्या है, सॉलिड है, हीट कर दिए वाटर में चेंज हो गया, वाटर को हीट कर दिया स्टीम में चेंज हो गया, फिर से जो स्टीम या वाटर वेपर है उसको कूल्ड कर दिए वाटर में चेंज हो गया, फिर से उसी वाटर को कूल्ड कर दिए तो आइस में चेंज हो गया। क्लियर है? यहाँ पे वही चीज़ लिखा भी गया है कि आपके पास सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है, हीट किए लिक्विड बन गया, फिर हीट किए गैस बन गया, गैस को कूल किए लिक्विड बन गया, लिक्विड को कूल किए सॉलिड बन गया। क्लियर है? आइस जो आपके पास है, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। आप समझ रहे हो, आइस में इतना ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होता है कि वो मूव नहीं कर सकता है, जबकि वाटर में कुछ दूरी पे होता है, जबकि गैसियस स्टेट में बहुत दूरी पे होता है, समझ रहे हो, और रैंडमली और क्विकली मूव कर सकता है। क्लियर है? तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट केल्विन। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।